आ जाओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बैठो 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 क्या पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आ रहा है। Very good. This dance encapsulates the spirit of India, an ancient civilization that broke away from the shackles of British imperialism and. मिल का फिर आऊंगा का आह्वान हूं मैं। उधम सिंह की जिद हूं, सुखदेव की शान हूं, आजाद की आखिरी गोली में छुपा हुआ स्वाभिमान हूं मैं, पूरा हिंदुस्तान हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सीनियर डिवीजन एयर कैडेट वरुण राव, पश्चिम बंगाल, और सिक्किम निदेशालय जूनियर था, उन्होंने पूरा पागल था आरडीसी के पीछे, बोला कि नहीं सीनियर मेरे को जाना है आरडीसी, मेरे को दिल्ली जाना है, ये करना है वो करना है। वहां पे मैं बाहर खड़ा हूँ यूनिट के, बहुत सारे सीनियर्स आए थे, मोटा मोटा बुक लेके पढ़ रहे, इतना मोटा मोटा बुक। इंटरव्यू के टाइम में पहली बार मैं दो अफसरों को इंटरव्यू दे रहा था, तो दो अफसर को इंटरव्यू दिया तो पूरा मेरा रूह कांप गया था कि अरे यार, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन था। और इंटरव्यू के बाहर खड़े होकर के ना, मैं जब क्वेश्चंस सुना कि बाकी सारे कैंडिडेट से क्या पूछ रहे हैं सर, तो फिर मैं लिटरली बहुत ईज में था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैं एकदम जानता था। क्या होता है ऐसे कैंप में घुसते हैं ना हम लोग का ना असेसिंग चालू हो जाता है। अब सिंस आई वाज फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, सो ही आस्क्ड दैट वरुण, यू आर फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, योर यूनिवर्सिटी रिमेन्स इन न्यूज, व्हाई? मेरे को मौका मिला था कि मम्मी पापा को बुलाने का, तो फिर वो चीज मम्मी पापा मैंने विटनेस किया था।
Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and in today's interview we are having Senior Division Air Varun Roy from West Bengal and Sikkim Directorate and he is All India Best Cadet in 2K22. So, आज वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी को डिस्कस करेंगे क्या प्रोसीजर है क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एंड किस तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया टू बिकम ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट सो लेट्स वेलकम वरुण सो थैंक यू वरुण फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म एंड यू नो दिस वीडियो इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एनसीसी कैडेट और हु आर अबाउट टू जॉइन एनसीसी एंड दे आर ड्रीमिंग टू जॉइन आरडीसी कैंप And definitely, बहुत सारे doubts भी उनके clear होंगे यहाँ पे. So Varun, firstly, I want you to introduce yourself to the platform. Jai Hind, everyone. This is Cadet Under Officer Varun Rao. So I am in third year of my NCC, and I am the All India Best Cadet 2022. And I am right now in my third year of undergraduate course also, which I am doing in BA Political Science Honours from Jadavpur University. I live in Kolkata and I took birth in Bihar, but since 2003, I am living here in Kolkata only. So this was my brief introduction. Okay. So Varun, I want to know how your NCC journey started. Like your journey is very special because when we are having an interaction regarding this video, you become All India Best Cadet. So I want to know where are the roots being plugged? How your journey started? Basically, I want to know. Yes, ma'am. So, मेरा like before like I never visualized NCC and all. मेरे को एक instance याद है कि जैसे RDC में ना 28 जनवरी को हर साल जैसे इस साल का जो RDC है 2023 वाला, so इसमें भी 28 जनवरी को PM rally होगा, ठीक है? तो मेरे को एक instance याद है कि 28 जनवरी को पता नहीं साल कौन सा है, लेकिन मैं BD News देख रहा था और उसमें PM rally चल रहा था. तो पापा भी थे वहां पे, तो फिर पापा बोल रहे थे कि देखो ये सब एनसीसी करता है ये लोग. मैं बोल रहा था कि अच्छा. तो फिर दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे मेरे को स्ट्राइक किया था कि नहीं यार ये तो अच्छा चीज है, मतलब ये तो मतलब मेरे जैसा एज के लड़के लोग है सारे, तो फिर ये लोग इतना मतलब ये लोग ये सब कर रहे हैं तो फिर करने में अच्छा लगेगा, मुझे भी करने में अच्छा लगेगा. तो फिर उसके बाद ये एपिसोड खत्म हो गया. फिर उसके बाद मैं 12th पास किया. 12th पास करने के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में चांस मिला, मैं वहां पे गया. मेरे को पता नहीं था कि JU में अलग से एनसीसी यूनिट है, बट JU में एनसीसी यूनिट था. तो इट वाज द टाइम ऑफ मतलब नवंबर दिसंबर का टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम JU गया था. सिंस कोविड चल रहा था तो फिर कैंपस तो बंद था, बट हम लोग का यूनिवर्सिटी का कैंप ओपन कैंपस है, तो फिर वहां पे हम लोग मतलब कोई भी आ जा सकता है. तो फिर हम सारे जो मेरे डिपार्टमेंट के नए नए स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने मीटअप प्लान किया और फिर हम लोग मिलने के लिए चले गए. तो फिर मिल के गया और साथ में सीनियर्स भी थे फॉर गाइडिंग अस, जो मेरे सेकेंड ईयर के सीनियर्स थे उस समय के, तो वो लोग भी थे हमें गाइड करने के लिए. तो फिर जब मैं गया वहाँ पे एक एनसीसी का ना बोर्ड देखा, मतलब एक स्टील बोर्ड था वहाँ पे एनसीसी पेंट किया हुआ था, लिखा हुआ था नंबर 2 बंगाल एयर स्क्वाड्रन, ठीक है? फिर एक जगह एनसीसी लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था 33 बंगाल 33 बटालियन एनसीसी, वो आर्मी का था, ठीक है? तो जो मेरा एंट्री है ना एयर विंग एनसीसी में, ये भी बड़ा अनोखा कहानी है. तो क्या हुआ था कि मैं तो शुरू में क्या हुआ था ना, जो आर्मी यूनिट है वो ना बड़ा रास्ते के सामने है, मतलब मेन रास्ते के सामने है. कैंपस तो बहुत बड़ा है, कैंपस के अंदर भी विभिन्न रास्ता है, मतलब डिवाइड किया हुआ, ये डिपार्टमेंट इधर वो डिपार्टमेंट उधर. तो जो आर्मी का यूनिट है वो रास्ते के बगल में है, तो फिर ऑफकोर्स नेचुरल है कि जो रास्ते के बगल में उस पर आंख ज्यादा जाएगा, ठीक है? तो फिर मेरा पहला मन था कि मैं आर्मी वाले यूनिट में जाऊं, ठीक है? तो फिर मैं अपने सीनियर को परेशान करना चाहूँ कि जो कॉलेज के सीनियर थे, बोले थे कि मैं बोल रहा था कि सीनियर मेरे को ये ज्वाइन करना है, आप प्लीज कुछ कीजिए. तो फिर वो बोले थे कि ठीक है वरुण, मैं पता लगाऊंगा. तो फिर उन्होंने फिर बोला कि हाँ वरुण, तुमको ये एनसीसी का फॉर्म मिलेगा डिपार्टमेंट से, तुम जाके वहां से ले लो. फिर मैं उनको बहुत कांटेक्ट किया, फिर मैं बहुत बार डिपार्टमेंट गया भी लेकिन कोई था नहीं. फिर वो बोले थे कि तुम इसको कांटेक्ट करो, लेकिन वो इंसान कभी था ही नहीं डिपार्टमेंट में. तो ऐसा बहुत सारा इंस्टेंस हुआ. फिर उसके बाद वही सेम भैया ने, उनका नाम ओग्निवो है, ओग्निवो रॉय. तो वो जो ओग्निवो रॉय भैया थे, उन्होंने बोला कि वरुण मेरे डिपार्टमेंट में ना एक और लड़का है जो एनसीसी करता है, एंड ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू एनसीसी. हिज नेम इज सीनियर अर्कदीप दत्ता. He is right now in Mumbai. वो भी लॉ डिग्री कर रहे हैं. तो
मैं फिर उनसे कॉन्टेक्ट किया, फिर उनसे बात हुआ, उन्होंने बोला कि वरुण आर यू श्योर यू वॉन्ट टू जॉइन एनसीसी, क्योंकि एनसीसी में आने के बाद कभी कभी ऐसा इंस्टेंस होता है ना कि यू हैव टू चूज योर अकेडमिक्स और योर एनसीसी, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है कि एग्जाम का टाइम है, कभी कैंप पड़ गया, तो हम लोग को चूज करना पड़ेगा कि क्योंकि हम लोग ऐसा भी नहीं चाहते कि हम लोग का एग्जाम का भी लॉस हो या फिर कैंप का भी लॉस हो। तो उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कि व्हाट इज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एनसीसी, सब कुछ लाइक पूरा ट्रू पिक्चर दिया। एंड आई वाज द वन कि नहीं सीनियर मैं कर लूंगा, नहीं भैया मैं कर लूंगा, नहीं मैं कर लूंगा। तो बोले कि ठीक है चलो वेरी गुड। तो फिर उनके मदद से मैं फर्स्ट, मेरे जो उस समय के ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सर थे राजपूत सर, उनसे मैं जुड़ा। और वो सर काबिले तारीफ है, मतलब वही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था आरडीसी में जाने के लिए, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब प्रोत्साहन बहुत मिला उनके साइड से। उनका इनका नाम ना बहुत बार आएगा स्टोरी में, सुनेगा। तो फिर मैं भैया को बोला कि भैया मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है। तो फिर भैया बोले कि ठीक है इतना डेट को आ जाना, मैं भी आऊंगा। तो फिर मैं पहुंच गया जेयू टाइम पे, मतलब सुबह 10 बजे। तो फिर भैया को बोला कि भैया मैं आ चुका हूँ, आप कहाँ पे? तो फिर भैया बोले कि नहीं वरुण मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरा तो यार बहुत काम है, तुम जाओ ना, तुम यूनिट में जाओ, सर खड़े हैं, ठीक है। और जो वो ऑर्कोदीप भैया थे वो थे एयर विंग एनसीसी के। okay. तो मैं बोला कि अरे ये तो एयर यूनिट है। तो मैं बोला कि अरे, फिर मैं देखा कि अरे यार कहाँ मतलब आ गया मैं। तो फिर मैं गया अंदर, मैं फिर बोला कि सर मुझे ज्वाइन करना है। तो फिर सर बोले कि अर्कदीप ने बोला, सर ऐसे बोलते हैं, अर्कदीप ने बोला। तो बोला कि जी सर। अच्छा ठीक है रुको मैं तुम्हें एनरोल करवा देता हूँ। अब क्या होता है ना मैम कि मेरा एडमिशन प्रोसेस भी अनोखा था। क्या था कि एनसीसी में भर्ती देने के लिए ना एक एनरोलमेंट फॉर्म आता है, 5-6 पेज का एनरोलमेंट फॉर्म होता है। उसमें आपको मेडिकल साइंस चाहिए होता है, फिर 2 विटनेस का साइन चाहिए होता है, फिर उसके बाद गैजेटेड क्लास ए गवर्नमेंट ऑफिसर का 2 साइन चाहिए होता है। मेरे को वो एनरोलमेंट फॉर्म भरने का नौबत ही नहीं आया। मैं यूनिट गया, मैं राजपूत सर को बोला कि सर मेरे को ज्वाइन करना है एनसीसी। तो सर ने फटाफट, क्या होता है ना कि हर एक कैडेट को रेजिमेंटल नंबर मिलता है, जैसे मेरा रेजिमेंटल नंबर है WB20SDF118509। तो उन्होंने बिना एनरोलमेंट फॉर्म लिए मेरे को बस क्या होता है रेजिमेंटल नंबर ना मतलब अकॉर्डिंग वाइज होता है, जैसे 1, 2, 3 उसके वाइज। तो फिर जो लास्ट कैडेट था मेरे को उसके लास्ट का रेजिमेंट नंबर दे दिया। तो फिर मैं भैया को बोला कि भैया मेरे को सर ना रेजिमेंट नंबर दिया। तो बोले कि बस हो गया, तुम्हारा एडमिशन हो गया। तो फिर उसके बाद ये मेरा स्टार्टिंग था एडमिशन का। वो भी मेरे को पता नहीं था कि मैं मतलब आर्मी विंग मतलब एयर विंग में जाऊंगा, ठीक है। मेरा तो था कि मेरा इच्छा था कि मैं आर्मी विंग में जाऊं, लेकिन फिर बाय चांस एयर विंग में चला गया। ओके सो सिंस वरुण तुमने बहुत सारी चीजें मेंशन करी एनसीसी की इनिशियल स्टेज के बारे में, तो मुझे जानना है कि एनसीसी का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाइट वेट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स रो, सो आई वांट टू नो अबाउट। ये सीरियसली मेरे को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सिंस मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो, ये नहीं कि अब ये प्रिटेक्स्ट नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब जो नॉर्मल जो जैसे मेरा तो बहुत ही एबनॉर्मल एडमिटिंग प्रोसीड्योर था, लेकिन जो नॉर्मल एडमिटिंग प्रोसीड्योर है वो क्या है ना कि वहाँ पे आपको जाकर के एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। एयर विंग का मैं बोल रहा हूँ, एयर विंग में ना आपको एग्जाम देना पड़ता है हल्का सा, फिर आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, फिर सीओ सर को एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है सीओ सर के साथ, जो कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं यूनिट के, ठीक है। तो फिर उसके बाद लिस्ट बनाया जाता है कि कौन कौन रहेगा एनसीसी में। और आर्मी वालों में तो स्ट्रिक्ट फिजिकल गाइडलाइन होता है कि इतने हाइट का होना चाहिए, इतने मिनट में इतना दौड़ो, इतना पुशअप्स पुलअप्स लगाना होता है, ठीक है। और जैसे एनसीसी में 2 भाग होता है, एक होता है जूनियर सीनियर। तो जूनियर डिवीजन को जूनियर डिवीजन इज फॉर बॉयज एंड जूनियर विंग इज फॉर गर्ल्स। और इसका जो एज लिमिट है वो है फ्रॉम 12 ईयर्स टू 18.5 ईयर्स। ये बस 2 साल का टेन्योर होता है, तो मतलब कोई अगर स्कूल में है तो फिर वो आराम से कर सकता है। तो ये 2 साल का कोर्स करने से उनको ए सर्टिफिकेट मिलता है। ए सर्टिफिकेट का भी बहुत सारा बेनिफिट होता है गवर्नमेंट सर्विस में। देन उसके बाद देयर इज सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग। सीनियर डिवीजन इज फॉर बॉयज एंड सीनियर विंग इज फॉर गर्ल्स। ये आफ्टर 18.5 ईयर्स अप टू 26 ईयर्स, मतलब कोई कॉलेज में कर सकते हैं, मतलब क्लास 11 के बाद वो ज्वाइन कर सकता है ये सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग। और सीनियर डिवीजन सीनियर विंग 3 साल का होता है। फर्स्ट
सेकंड ईयर में आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा, और जो थर्ड जो लास्ट साल होता है सीनियर डिवीजन का, उसमें सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा, और यही सी सर्टिफिकेट एनसीसी स्पेशल एंट्री में मांगता है। ओके ठीक है। सो वरुण, मुझे जानना है कि सिंस वी हैव टॉक अ लॉट अबाउट द क्राइटेरियाज एंड एवरीथिंग, तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन एनसीसी, क्योंकि आपने तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी है, रिपब्लिक डे कैंप एंड फ्यू ऑफ देम आई नो इज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम या देयर अदर थिंग्स आल्सो, तो प्लीज डिस्कस अबाउट दीस थिंग्स इन पर्टिकुलर। जी, सो जैसे कैंप का भी कैटेगरी होता है, एक होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, ठीक है, फिर देयर इज कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, देयर आर ट्रेकिंग कैंप्स, फिर देयर इज स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, देन जैसे आपने बोला रिपब्लिक डे कैंप, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, देन देयर इज लोकल रिपब्लिक डे कैंप ऑल्सो। तो मैं बस इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप, तो देखिए नाम में काम छिपा हुआ है, सेंट्रली ऑर्गेनाइज मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। आरटीसी सेंट्रल ऑर्गेनाइज कैंप के अंदर आता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप के अंदर आता है, और YAP सेंट्रली ऑर्गेनाइज के अंदर आता है, CATC सेंट्रली ऑर्गेनाइज के अंदर नहीं आता क्योंकि कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप ये वो स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैकिंग कैंप भी सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप के अंदर आता है, ट्रैकिंग कैंप इज बेसिकली एडवेंचरस, वहाँ पे माउंटेन जाके चढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर कभी कभी देर इज आगरा में ना पैरा ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एनसीसी कैडेट को ना पैरा जंपिंग करवाया जाता है, तो वो कैडेट बहुत लकी होते हैं जो पैरा जंपिंग करते हैं। मेरा भी मन था पैरा जंपिंग करने का, लेकिन वो हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, तो फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी कभी नहीं आया पैरा जंपिंग करने का। okay. मतलब होता है ना सिलेक्शन, तो वो सिलेक्शन का मौका ही कभी नहीं आया देने का। तो पैरा जंपिंग भी होता है, फिर पैरा ग्लाइडिंग भी होता है, पैरा सेलिंग भी होता है, बहुत कुछ होता है। यस, फिर उसके बाद आप जब इस साल का पीएम रैली देखेगा, वो होता है ना हेलीकॉप्टर से रस्सी के थ्रू नीचे आकर स्लिदर करना जैसे आर्मी वाले करते हैं, वो सब एनसीसी कैडेट्स भी करते हैं। okay. वो देखिएगा इस साल आप। हाँ, तो बहुत कुछ होता है एनसीसी में। okay. तो ये सब कैंप है, और मैं पर्टिकुलरली आरडीसी के बारे में बोलूंगा। सो आरडीसी एक महीना का पूरा कैंप होता है, जनवरी 1 से 29 जनवरी तक। तो इसका सिलेक्शन बहुत ही रिगोरस होता है, लाइक बहुत सारे लेवल होते हैं, फिर बहुत किसी का सपना भी होता है आरडीसी जाने का। मुझे यही पूछना है वरुण, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट आरडीसी कैंप पर्टिकुलरली, कि उसका प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, और आपने प्रिपेयर कैसे किए, तो इन सब चीजों के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि आरडीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉट ऑफ कैडेट्स जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज जी, मैं पर्सनली लाइक आफ्टर आई बिकेम सीनियर, लाइक आफ्टर आई केम फ्रॉम आरडीसी ना, ऐसा बहुत सारा मेरा जूनियर था, उन्होंने पूरा पागल था आरटीसी के पीछे, बोला कि नहीं सीनियर मेरे को जाना है आरटीसी, मेरे को दिल्ली जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं फिर मन में सोच रहा था कि यार मैं अपने टाइम में जानता भी नहीं था, इनफैक्ट मैं अपने टाइम में इतना पागल नहीं था। मैं आपको बोलता हूँ क्यों। अब क्या हुआ, मेरा जर्नी स्टार्ट होता है 2021 के मई से। तो मेरे को, मैं आपको ना मेरा पहला एनसीसी क्लास का भी एक्सपीरियंस आपको साथ में दे देता हूँ। तो जब मैं पहला बार एनसीसी क्लास गया था ना, तो वहां पे फर्स्ट टाइम कृष्णा सीनियर आए थे। तो कृष्णा सीनियर जब आए थे तो फिर उनके वो पूरा फुल यूनिफॉर्म में आए थे, ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप उसका बैच लगा के आए थे। तो फिर मेरे लाइक आई वाज सीरियसली वेरी अमेज्ड, मैं बोल रहा था कि ओ यार, मतलब अलग एक अलग सा चीज़ दिख रहा था। तो फिर उसके बाद रगड़ा मिला, ड्रिल हुआ, ये हुआ, एंड आई एम टेलिंग यू आफ्टर, मतलब वो होता है ना वो एसफल्ट वाला रोड, बीच वाला रोड, उसमें फिर पूरा कड़े धूप में पुशअप्स मारने के बाद मेरा फर्स्ट डे में मेरा पूरा हाथ जल रहा था, वो पाम पूरा जल रहा था मेरा। तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन तो एनसीसी में मैं हमेशा से ही फोकस था, अभी तो ऐसा हो गया है कि बहुत कोई फोकस नहीं रहता है। जो मैं जूनियर को यही बोलूंगा, जूनियर जितने भी सुन रहे हैं, कि जब भी तुम कोई संस्था से जुड़ रहे हो, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो ना, जो पर्पस के साथ जुड़ रहे हो उसी में हमेशा ध्यान लगा के रहो, ठीक है। कभी किसी के बहकावे में आकर के ये नहीं कि अपना टाइम तुम बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिपब्लिक डे कैंप का प्रोसीडर में, जो मेरा जर्नी है। तो
तो मैं अपना जर्नी के थ्रू आपको लोगों को सिलेक्शन प्रोसीजर सिखाऊंगा बोलूंगा। तो क्या हुआ था कि मई का टाइम था और फिर ऐसा बोला था कि ऐसे रिपब्लिक डे कैंप का या फिर दिल्ली वाला कैंप का ऐसा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फिर मैं गया यूनिट, तो मेरा पहला टारगेट था कि मैं ड्रिल से जाऊंगा क्योंकि सबको सिलेक्शन दे रहा, तो मेरा भी इच्छा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा यार, मैं अभी सिलेक्शन दूंगा। तो नेचुरली मैं मेरा ड्रिल करते हुए कितना महीना हुआ होगा, 2-3 महीना हुआ होगा। नेचुरल है कि जो मेरे कम्पीट में कौन कौन था जो 1-1.5 साल से ड्रिल कर रहा है वो लोग जूनियर डिविजन भी किया हुआ है और मैं यहाँ पे 2 महीना का ड्रिल करके मैं क्या करूंगा, तो नेचुरल था कि मैं आउट हो सकता हूँ, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस चल रहा था ड्रिल का, प्रैक्टिस ड्रिल का चलते हुए के टाइम में ही मेरे JWO सर, रेजी सर ने मुझे बुलाया, बोले कि वरुण तुम्हारा तुमको टेस्ट देने जाना है 1 बंगाल एयर स्क्वाड्रन में, विच इज इन अलीपुर। अलीपुर में मैं आपको बोलूंगा, आपने अगर अलीपुर जू का नाम सुना होगा तो फिर वहीं पे वो यूनिट है, वहाँ पे बेहाला फ्लाइंग का भी क्लब भी है जहाँ पे वेस्ट बंगाल सिक्किम टेरिटरी जितने भी एयर विंग यूनिट है वहाँ पे उनका फ्लाइंग होता है वायरलेस SW-80 एयरक्राफ्ट से, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ गया, नेक्स्ट डे वहाँ गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मतलब क्या पढ़ना है, मेरे को बस पता है करंट अफेयर्स पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ के चला गया। फिर कॉमन सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट हल्का फुल्का पता था लेकिन कॉमन का एक भी नॉलेज नहीं था। वहाँ पे मैं बाहर खड़ा हूँ यूनिट के, बहुत सारे सीनियर्स आए थे वो मोटा मोटा बुक लेके पढ़ रहे, इतना मोटा मोटा बुक। मैं बोला कि यार मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सब क्या है, फिर मैं हल्का सा पढ़ने हल्का सा झांकने की कोशिश किया, देखा कितना कुछ लिखा। मैं बोला कि मैं फिर पीछे हट गया, मैं बोला कि मैं नहीं देखूंगा, देखूंगा तो फिर मेरा बैंड बच जाएगा। तो फिर गया, रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट में देखा कि रात को जो पढ़ा वो आ गया करंट अफेयर्स में, कल रात को जो पढ़ा वो करंट अफेयर्स में आ गया। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि करंट अफेयर्स आर्डर 247 ये फॉलो करिए, आप लोग का करंट अफेयर्स पूरा अप टू डेट हो जाएगा। इनफैक्ट NCC का लिए ना, NCC के लिए अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई UPSC कनेक्टेड गवर्नमेंट एग्जाम है, ऑफकोर्स उसके लिए तो अलग सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स रहना जरूरी है, लेकिन फॉर NCC या फिर छोटा मोटा एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स आर्डर 247 इज इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स प्ले अ वाइटल रोल, आई मस्ट से दैट। यस, हां यस, वेरी मच। तो फिर कॉमन स्पीड का क्वेश्चन आया था, कॉमन स्पीड वाज वेरी कॉमन, मतलब कि NCC का लोगों के बारे में पूछा गया, फिर कब एनरोलमेंट होता है, पैसा चार्ज करते हैं कि नहीं करते एनरोलमेंट फॉर्म में, ये सब तो ये सब पूछा गया। तो चलो ये सब तो कॉमनली मैं जवाब दे दिया। फिर उसको बताया ड्रिल का टाइम, तो ड्रिल में भी जो सर ने दिखाया, लकीली क्या होता है ना कि ड्रिल में ना एक कमांड होता है पीछे मुड़ का, ठीक है। तो पीछे मुड़ में ना मैं बहुत कंफ्यूज था कि पैर कौन सा मारू वाला, मतलब कौन सा पैर आगे बढ़ाऊं ऐसे करके। तो लकीली उस टाइम पे ना, मतलब क्योंकि मेरा पीछे मुड़ना बड़ा दिक्कत था, मतलब मेरे को इतना प्रैक्टिस नहीं मिला था तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि पीछे मुड़ में मैं कैसे करूंगा पीछे मुड़। लेकिन उस दिन लकीली मेरा पीछे मुड़ सही हो गया, ठीक है। तो पीछे मुड़ सही हो गया तो फिर मैं बाकी चीज भी सही कर दिया, तो चलो ये हो गया। देन उसके बाद फिर आया इंटरव्यू का टाइम, इंटरव्यू में मैं गया, दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। और आपको पता है मतलब वो इंटरव्यू CO सर ले रहे थे, ठीक है, 1 ईयर के CO सर ले रहे थे, ग्रुप कैप्टन विष्णु शर्मा सर, वो कारगिल में भी पार्ट ले चुके हैं कारगिल वॉर में। तो फिर वो सर इंटरव्यू ले रहे थे और ना मेरे को ना कहीं से सुनने आया था कि CO सर ना एबसेंट है, ठीक है, और जो इंटरव्यू है ना वो JWO सर लेंगे, ठीक है। तो मैं इनफैक्ट उस समय ना मेरे को ना रैंक का मतलब ऐसे कंधे में रैंक लगा होता है, तो फिर मेरे को रैंक का भी नॉलेज नहीं था, ठीक है, कमांडर सर, मैं उनको JWO सर मतलब मैं उनको JCO समझ करके मैं चला गया अंदर, ठीक है। और सिंस वो JCO थे तो मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, सर जो सवाल पूछ रहे मतलब आर्मी चीफ का नाम पूछ रहे हैं, एयर चीफ का, नेवल चीफ का, उनका जो उनको जो उनको मेडल मिला है नॉन गैलेंट्री अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड उनके बारे में पूछ, मैं बोल रहा फिर इसके बाद एक SRT देते हैं तो फिर उसका भी किया। तो बस बोले कि चलो वरुण थैंक यू सो मच। तो फिर मैं जब बाहर आया मैं फिर सुना कि वो तो CO सर है, बोला कि अरे बाप रे बाप, मैं तो फिर समझा ही नहीं, मैं तो उनको JWO समझ रहा था। तो फिर उसके बाद तुमने काफी इजीली इंटरव्यू दिया, दे वर वेरी कंफर्टेबल एट दैट टाइम। जी 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 जी, तो फिर मैं खुद एक्चुअली अमेज था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मैं मतलब एकदम रिलैक्स होकर के एकदम मस्त मौजा। तो फिर मैं फिर उस दिन बहुत बारिश हो रहा था और मतलब बहुत भूख लगा था मेरे को, तो फिर मैं बाहर गया, बाहर जाकर फिर मैं रैपिड बुक किया, फिर
जैसा भी था और फिर वैसा करके आ गया। हालांकि उस दिन मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा रिटर्न अच्छा गया था और मतलब ठीक ठाक था। फिर दो दिन बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट में मैं जितने भी एयरविंग के कैडेट थे टोटल 15-20 या फिर 25 होंगे, उसमें से मेरा सेकंड पोजीशन आया था लड़कों का कैटेगरी में। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे को बोला है कि जो सिलेक्ट हुए हैं उनको, मतलब जिनका नाम है लिस्ट में, उनको कल से क्लब हाउस में रिपोर्ट करना है। क्लब हाउस एक जगह है ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का, उसके बगल में, उसके जस्ट बिसाइड में एनसीसी क्लब हाउस है। वहां पे हम लोगों का कोलबी ग्रुप का वेस्ट बंगाल सिक्किम डायरेक्टर के अंदर इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन होता है। तो फिर अब क्लब हाउस से एक दूसरा फेस चालू हो जाता है। तो मेरा तो यूनिट लेवल सिलेक्शन हो गया, अब इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन। तो इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन में 2 महीना कभी कुछ प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा बस एक रूटीन बन गया था। सुबह उठो, तैयार हो, 6:30 बजे निकल जाओ, 8 बजे रिपोर्टिंग है, फिर घर में शाम को 5-6 बजे आओ, ऐसा करके। मतलब ऐसा हो गया था ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब रोज का ऐसा रूटीन हो गया था। और मेरे को मेरे सीनियर ने बोला था कि वरुण उधर जाना, अपना एम्ब्रेशन बना के रखना प्रॉपर, एकदम अपना यूनिफॉर्म को आयरन करके जाना, जूता पॉलिश करना। मेरे को अभी भी याद है ना कि मैं रोज आता था, ठीक है, रोज शाम को मतलब आ गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, फिर जैसे रात हो गया तो खाने के बाद मैं अपना बूट लेकर के बैठा, बूट को पॉलिश कर रहा हूँ। तो बूट को पॉलिश करने के साथ मैं रख देता था कि सुबह पहन के जाऊंगा। फिर पहले से मैं आयरन कर लेता था, मतलब रात को मैं यूनिफॉर्म आयरन कर लेता था और बूट पॉलिश कर लेता था, फिर मैं सो जाता था। फिर सुबह उठ करके फटाफट खाना खाओ, नहाओ, यूनिफॉर्म पहनो, फिर निकल जाओ। तो ऐसे सिलसिला पूरा चला मेरा 2 महीना तक। और इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन में फिर सेपरेट से सिलेक्शन होता है। इंटर बटालियन में आपका इंटरव्यू होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न में फिर से सेम केस। रिटर्न में मैं कुछ नहीं पढ़ के गया था, लेकिन सिंस मैं 2-3 सालों से मैं करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा था तो वही हेल्प हो गया। तो मैं गया और करंट अफेयर्स का मतलब रेंज जो था ना, मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीना से पूछा वो ना, वो करंट अफेयर्स मतलब बहुत सारे महीनों से पूछा था। जैसे क्या था ना कि उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था तो फिर वहां पे ना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का बहुत बात होता था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो 7 कैबिनेट कमेटी होते हैं उसमें से एक कैबिनेट कमेटी है। तो फिर मैं उस समय अखबार पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो फिर और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मेरे को ये सब पता था। फिर जहाँ पे मिसाइल टेस्ट होते हैं इंडिया के, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो ओडिशा में है, उसका नाम पता था। फिर मेरे को पता था कि इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर कौन था, इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर का नाम अप्सरा था, अप्सरा 1, 1951 में शायद उसका इनॉग्रेशन हुआ था एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वो एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, ठीक है। और तो ये सब मेरे को पता था, तो गया मैं जाकर के लिख आया। फिर उसके बाद जब आंसर डिस्कस कर रहे हैं वहां पे, तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम त्रिपाठी सर वो डिस्कस कर रहे थे आंसर। तो उन्होंने फिर बोला, मतलब वो ना ऐसे इशारा कर रहे थे कि मतलब बहुत ही अच्छे सर थे वो, तो वो आंसर देख रहे हैं, आंसर देख करके बोल रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिर सबका आंसर सुन रहे हैं, तो फिर मैं अगर बोला तो फिर बोले ऐसे ये सही बोला ऐसे के इशारा करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर बात हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने ना उस समय ना फ्रेश एनडीए में लड़कियां जाएंगी ऐसा बात उठ रहा था, ठीक है। तो फिर सर बोल रहे थे कि एनडीए में अगर लड़की जाएगी तो फिर लड़का लोग तो टॉप करना छोड़ देगा, क्योंकि लड़कियां तो वैसे ही बहुत तेज होती है, ठीक है। हाँ, तो फिर ये सब बात भी हो रहा था उस दिन। तो फिर उस दिन रिटर्न टेस्ट हुआ और उस दिन ना बस बेस्ट कैडेट आया था, बस बेस्ट कैडेट आर्मी एयरफोर्स के बस बेस्ट कैडेट आए थे, वो लोग टेस्ट दिए। फिर उसी दिन आपका डीएसटी हुआ, हम लोग का ड्रिल सिलेक्शन टेस्ट हुआ। तो डीएसटी में मेरा ठीक ठाक ड्रिल था, एवरेज ड्रिल था। तो फिर दोपहर को फिर हम लोग घर चले गए थे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रिटर्न टेस्ट से पहले मेरा इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन हो चुका था और वो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए मुझे लिटरली 1.5 महीना आना जाना करना पड़ा क्लब हाउस के लिए, मतलब इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन। तो फिर इंटरव्यू के टाइम में पहली बार मैं 2 अफसरों को इंटरव्यू दे रहा था, तो 2 अफसरों को इंटरव्यू दिया तो पूरा मेरा रूह कांप गया था कि अरे यार, मतलब बहुत ज्यादा
टेंशन था। और इंटरव्यू के बाहर खड़े होकर के ना मैं जब क्वेश्चंस सुना कि बाकी सारे कैंडिडेट से क्या पूछ रहे हैं सर, तो फिर मैं लिटरली बहुत एज में था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैं एकदम जानता था, क्योंकि अगेन करंट अफेयर्स, मैं करंट अफेयर्स फॉलो करता था, तो मेरे को और सबसे बिगेस्ट मेरिट है ना कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और बहुत सारे यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी आईक्यू है, फिर स्टडी आईक्यू मेजरली फॉलो करता था, तो स्टडी आईक्यू है उसमें ना हर कुछ, जैसे अभी के टाइम पे ना आई ऑलमोस्ट नो लाइक, और मतलब मैं पूरा नहीं बोलूंगा लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि 80-85% ऑफ चाइना का जियोपॉलिटिक्स मेरे को पता है ऐसा। तो वो सब जितना भी था ना वो सब मेरे को पता था ऑलरेडी, तो मैं बोला कि चलो यार कुछ करना नहीं है ठीक है, लेकिन मैं हल्का फुल्का पैनिक कर रहा था, मैं बोलता कि अरे यार कहीं मैं गलत ना बोल दूं, अरे यार कहीं मैं गलत ना बोल दूं। तो जब मेरा मौका आया तो फिर मैं हमेशा ऐसे करता हूं, इंटरव्यू के टाइम में हमेशा ऐसे करता हूं, फिर मैं ऐसे करके मैं एंट्री करता हूं। एंट्री किया, मार्चिंग करते हुए गया अंदर, बोला जय हिंद सर, सर बोले कि बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद बहुत टेंस एनवायरमेंट था, तो फिर सर ने बोला कि जस्ट गेट रिलैक्स्ड, उन्होंने पूछा कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उस समय तालिबान और अफगान आर्मी के बीच में बहुत लड़ाई शड़ाई हो रहा था, तो फिर मैं फिर अफगानिस्तान वो रीजन बोला कि रीजन क्या था, फिर आगे क्या हो सकता है, फिर ऐसा चीज को रोके तो कैसे रोके ठीक है। तो फिर मैं ऐसा बोला और मैं हिस्ट्री में चला गया कि ऐसे हुआ था ये, मतलब दुरानी ये अब्दुल दुरानी ने उसको खोजा था अफगानिस्तान के, फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान बोला था अब्दुल दुरानी को, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को लैंड ऑफ ग्रेवियार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है, मतलब जो भी शासक आएगा उसका समाधि उधर हो जाएगा, कोई उधर टिक नहीं पाएगा ऐसा ठीक है। तो ये सब मैंने बोला, फिर उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, फिर मेरा जो एक और कंपटीटर था उसका भी इंटरव्यू हुआ, तो हम दोनों का इंटरव्यू होते होते ना शाम का 7 बज गया था, 7 बजे हम लोग फिर क्लब हाउस से घर है मेरा, उस दिन पहुंचते 8 या फिर 8:30 बज गया था घर। तो और फिर ग्रुप डिस्कशन में भी उस समय मैं एकदम ऐसा था ना कि मेरे को जीरो नॉलेज है ग्रुप डिस्कशन, मैं गया पूरा पसीना छूट रहा है, सर मेरे को इशारा कर रहे कि वरुण आराम से ठीक है, तो फिर मेरे से जो हुआ बोला, और मैं ऐसे बोलने जा रहा हूँ ना, ऐसे बोल नहीं पाया, मुंह बंद हो गया ठीक है, वो इतना टेंस्ड था मैं। तो चलो हो गया, तो ये था मेरा इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन का जर्नी। और जब रिजल्ट आया कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया, तब जाके लगा कि ओह नाउ आई एम गोइंग टू कल्याणी, मतलब कि आउटसाइड ऑफ माय होम, मतलब मैं पहली बार एक रियल कैंप करूंगा ठीक है, घर से दूर, जहाँ पे घर से मैं दूर रहूंगा। तो मैं फिर खुश था, तो अब इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका था, अब इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था। तो फिर नेक्स्ट डे आपका रिपोर्टिंग था सुबह क्लब हाउस में ही, तो फिर मेरे को याद है उस दिन मैं अपना जो क्या होता है ना कि एनसीसी में ना मतलब यूनिट से एक ना झोला टाइप से देता है ठीक है, मतलब वो ऑलिव ग्रीन कलर का एक झोला होता है ठीक है, मतलब ऐसे पीठ में लटका के चलना होता है, वो पीछे पूरा बैग होता है इतना सिलेंडर जैसा, सिलेंडर के शेप का ठीक है, उसमें दरी मच्छरदानी कंबल ये सब भरा हुआ होता है ठीक है। तो मैं एक वो वाला बैग और एक हैंड बैग मैं ले गया था साथ में। तो फिर मेरे को पता है कि मैं फिर टैक्सी से गया उधर, मैं बहुत पहले पहुंच गया था, फिर मेरा फर्स्ट कैंप था, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी था, मिक्स इमोशन भी था। तो मम्मी को जब बाय बोल रहा था तो फिर हल्का सा इमोशनल भी हो गया, मम्मी भी इमोशनल हो गए। तो फिर उसके बाद पहुंचा कैंप में, मतलब पहुंचा क्लब हाउस पहुंचा, फिर उसके बाद फिर से बहुत सारे पेरेंट्स भी आए थे देखने के लिए अपने बच्चे को जाते हुए, तो वो भी एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि दूसरे के पेरेंट्स आए, तो फिर चाहे दूसरे के पेरेंट्स क्यों ना हो लेकिन है तो पेरेंट्स ही, मेरे भी पेरेंट्स हैं, तो वो भी एक इमोशनल मोमेंट था। फिर उसके बाद जो एक यूनिट कंडक्ट कर रहा था इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन, उसके सीओ सर आए, ठाकुर सर, लेफ्टिनेंट कर्नल त्रिपाठी सर, जिन दोनों ने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, ग्रुप डिस्कशन के भी समय थे, फिर सबको आए, जोश हाई किया, फिर उसके बाद बोले कि चलो जाना, अच्छे से जाना। फिर ये भी बोला था कि देखो उधर ना बहुत सारे लड़के आएंगे,
तो वहां पे बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे ना जो उकसाने की कोशिश करेंगे, बिना बात के उकसाएंगे, बिना बात का झगड़ा करेंगे, तो फिर तुमको वो लोग से मिलना ही नहीं है। बात कर रहे हैं, बोल रहे कि तुमको नहीं आता, तो फिर यही बोलना कि ठीक है भाई हमको नहीं आता, तेरे को आता है ना, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो फिर ये सब हम लोग को समझा करके भेज दिए थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट काम था, तो फिर मेरे को पता था कि चलो ये सब भी होता है होगा। तो फिर और मैं हमेशा ना, मतलब वो होता है ना कि मेरे को ये सब में उलझना नहीं है, वो लड़ाई वड़ाई में ठीक है, जो होता है भाई अपना सबको शांति से रहो, कुछ करना नहीं है, जो होता है वो कर जाते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग ट्रक में उठे, फिर ट्रक से फिर हम लोग निकल गए कल्याणी के लिए। कल्याणी कोलकाता से बहुत दूर था, 50 किलोमीटर दूर था। तो फिर आराम से हम लोग मतलब ट्रिप में गए, फिर उसको जब कल्याणी पहुंचे 2-3 घंटे बाद, तो फिर मतलब एक अलग सा था, लाइक फर्स्ट टाइम एक दूसरी जगह आ रहा हूँ, वहां पे कंपटीशन होने वाला है दिल्ली जाने के लिए। बिल्कुल वैसा मतलब कंपटीशन कैसा होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारा मिक्स्ड इमोशन था। तो फिर गए, रिपोर्टिंग हुआ मतलब उधर पे, फिर हम लोग का डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया, हम लोग को खाने दिया गया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ हम लोग का। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोग शाम के समय हम लोग को बोला कि मतलब ब्रीफिंग हुआ सारे कैडेट्स के सामने कि कल से कंपटीशन स्टार्ट होगा, कल से ये शेड्यूल है। मेरे को करेक्ट ऑर्डर तो नहीं पता, लेकिन सारे चीज़ हुए थी, जैसे फायरिंग हुआ था और रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ड्रिल सिलेक्शन टेस्ट सब हुए थे। तो रिटन टेस्ट के दिन, रिटन टेस्ट वॉज डिफिकल्ट, उस दिन फायरिंग भी हो गया। तो फायरिंग का मैं आपको बोलता हूँ, फायरिंग फर्स्ट टाइम ना मैं मतलब कभी भी फायर नहीं किया था ना एनसीसी में, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं फायर किया था ड्यूरिंग इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन, मैं जिक्र करना भूल गया था। सो ड्यूरिंग इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन में फर्स्ट टाइम फायर किया था, ठीक है, मतलब मेरे को प्रैक्टिस मिला नहीं, मैं फर्स्ट फायरिंग कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन के लिए, वाह, मतलब कुछ कहने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम। तो सीधा जी तो फिर वही कॉम्पिटिशन के दौरान जो मेरे को प्रैक्टिस मिला, मैं वही लेकर कल्याणी गया। फिर कल्याणी में फायरिंग हुआ, मेरा फायरिंग वाज एवरेज, इट वाज अराउंड 80 आउट ऑफ 150 पॉइंट्स। ओके ठीक है, सो इट वाज रियली वेरी डाउन, ठीक है। तो फिर उसके बाद फायरिंग हुआ, फायरिंग के बाद रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट वाज नॉट अ पीस ऑफ कैक दिस टाइम, क्योंकि मेरे को पढ़ना पड़ रहा था। तो मैं जाकर के, लेकिन मैं उतना नहीं पढ़ा था क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट ऑफ कोर्स बहुत वास्ट था, अब क्या कर सकते, कॉमन है तो फिर कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करो, कॉमन सेंस लगा के सॉल्व किया। स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ा था मैं रफाइल के बारे में, पूछा मैं रफाइल का टिक मार दिया जो मेरे को पता था। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पूछा, करंट अफेयर्स हार्ड था इस टाइम पे, लेकिन जो जो पता था वो किया, नेगेटिव मार्किंग भी था, तो फिर मैं बच रहा था यार कि मेरे को मतलब मेरे को नेगेटिव मार्किंग इनवाइट नहीं करना, तो फिर मैं उतना अटेंड नहीं करूंगा। चलो ये हो गया। देन उसके बाद उस दिन का शेड्यूल खत्म, नेक्स्ट डे होता है ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन और डीएसटी। तो नेक्स्ट दिन आई, ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन में दिस टाइम आई वाज अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, क्योंकि जितने पार्टिसिपेंट्स थे ना उनसे मैं मतलब अकॉम्पनी कर, मतलब मैं उनसे बातचीत कर चुका था, एंड आई गॉट कंफर्टेबल विद देम, ठीक है। तो फिर चलो अब उतना कुछ चिंता का नहीं है, तो फिर मैं गया, ग्रुप डिस्कशन किया, इट वाज एवरेज। फिर फटाफट मैं दौड़ के चला गया खाने के लिए, क्योंकि फिर मेरे को फटाफट रेडी होकर जाना है डीएसटी देने के लिए। तो फिर मैं डीएसटी दिया, डीएसटी में एक नया पार्ट इंक्लूड हुआ था, वो था स्क्वाड कमांड, मतलब एक स्क्वाड दिया जाएगा 6-8 जन का, मेरे को फिर उसको उनको कमांड करना है, बोलना है कि तुम मतलब ऐसे सावधान, दाहिने मोड़, फिर दाहिने से तेज चल, ऐसे करके। तो ये न्यू था, अब सिंस मेरे को पता नहीं था कि ये वाला भी टेस्ट होगा। तो फिर ये जो डीएसटी था ना, डीएसटी के पिछले वाले रात को मेरे को फिर प्रैक्टिस करना पड़ा, मैं फिर प्रैक्टिस किया। तो फिर वो था जो मतलब कमांड का था कि चलो ये कमांड दूंगा, वही सब कमांड दिया मैं। डीएसटी वाज एवरेज, स्क्वाड कमांड भी एवरेज था। उस दिन का फिर प्रोग्राम खत्म, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा मौका आया इंटरव्यू का नेक्स्ट डे। तो इंटरव्यू वाज वेरी स्पेशल, क्योंकि फर्स्ट टाइम इधर एयरफोर्स के ऑफिसर बैठे हुए हैं, इधर ब्रिगेडियर सर बैठे हुए हैं, इधर एक कॉर्नल लेवल के सर बैठे हुए हैं, और एक और एक एनओ सर बैठे हुए हैं। एनओ मैम थी या फिर एनओ सर थे, कोई मतलब दोनों में से कोई एक था, लेकिन टोटल 4 ऑफिसर थे उधर। इंटरव्यूइंग पैनल था उधर पूरा। मैं गया अंदर, मैं फिर अपना हॉबीज ये सब बोला, फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि वरुण तुम बताओ कि ऐसा कौन सा 3 मेन इवेंट है जो
इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, और उस समय ऑकस बहुत इशू में था, सो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, सो ये वाला चीज इशू, ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में था, ठीक है, क्योंकि इसलिए लाइमलाइट में था ना, मैं आपको चलो कुछ ज्ञान दे देता हूँ। तो ऑकस इज अ मिलिट्री अलायंस, तो मिलिट्री अलायंस में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया एक ओशियाना रीजन बोलते हैं उसको, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है, वहाँ पे चाइना का दबदबा हो रहा है अभी, तो फिर उन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन का टेक्नोलॉजी देने के लिए यूके और यूएस साथ में करके बोले कि चलो इनका मदद करेंगे सबमरीन बनाने के लिए। और इंडिया का इम्पैक्ट इसमें ये था ना कि इंडिया के पास बस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ठीक है, और इंडिया को भी चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ये न्यूक्लियर सबमरीन वाला जो डील था ये फ्रांस के साथ किया था, ठीक है, और अचानक से ये ऑकस हो गया, यूके यूएस के साथ डील हो गया ऑस्ट्रेलिया का, तो फ्रांस खफा हो गया, ठीक है। अब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करना है, ठीक है, इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा से सिक्योरिटी पार्टनरशिप बैठाना है, और इंडिया ने फ्रांस को भी लुभाना है, क्योंकि फ्रांस इज अ वेरी गुड नेवल, मतलब वेरी गुड डिफेंस पार्टनर, जो फ्रांस का जो कंपनी है मतलब नेवल ग्रुप ऐसा करके नाम है जो सबमरीन बनाता है, तो फिर उनको इंडिया का टेंडर मिला P-75 प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर उसमें भी अभी तक इंडिया डीजल इलेक्ट्रिक बना रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का बात चल रहा है, बहुत देरी से बनेगा, तो फिर ये एक इम्पैक्ट था जो लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा मेरे को, फिर इसके बाद मेरे को इंटरकास्ट मैरिज के बारे में पूछा, तो मैं बोला कि सर इंटरकास्ट मैरिज तो ऑफकोर्स ऐसा कोई रुकावट नहीं होना चाहिए कभी किसी के ऊपर, अगर जो मन जो चाहे इंसान वो कर सकता है जहां तक वो जायज है, जैसे हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी शब्द का उच्चारण किया गया है, सो लिबर्टी इंडिया में ना, मतलब लिबर्टी दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव लिबर्टी होता है कि लिमिट में करो, मतलब जहां तक रैशनल माइंड अलाउ कर रहा है, अगर ये नहीं कि इरैशनैलिटी करते जाओ, उसको बोलते नेगेटिव लिबर्टी। सो ये एक प्राइम एग्जांपल हुआ, तो फिर मैं ऐसा आंसर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मैं भगवत गीता का एग्जांपल दिया, तो फिर उन्होंने भगवत गीता के बारे पूछा, तो ये था मेरा इंटरव्यू वाज मोर देन एवरेज, मतलब आई वाज सैटिस्फाइड। ओके, फिर उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया, आई वाज टुडे रिलैक्स्ड कि ओ भाई एग्जाम मतलब खत्म हो गया। फिर उसके बाद एक शाम को रिटन और फायरिंग का ना रिजल्ट आता है, ठीक है, तो मेरे जो कंप्यूटर थे, जो मेरे कंप्यूटर मेरे सीनियर थे, ठीक है, सो सटायरिकल थे, मतलब सॉरी आयरॉनिकल थे, ठीक है, मतलब कंप्यूटर मेरे सीनियर थे, और फिर लकीली मेरा मार्क्स ज़्यादा था, तो फिर चलो मैं तो बोला कि ओ यार चलो अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड, ठीक है। तो फिर उस रात में मैं सीरियसली बोला चैन का नींद सोया, और उसके बाद मैं चैन का नींद ही सोया था, क्योंकि चलो मैं कुछ निश्चय हो गया था कि चलो यार मैं आईजीसी में अच्छा किया। तो फिर उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ लास्ट डे ऑफ इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, मतलब आपका नवंबर आ चुका था, नवंबर का स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में अर्ली नवंबर, तो आईजीसी का रिजल्ट आया, देन आई वॉज अवॉर्डेड विद द गोल्ड मेडल। फिर उस दिन पहली बार मैं अपने डायरेक्टर के एडीजी सर से मिला था, एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल उदय शंकर सेनगुप्ता सर से, तो फिर उन्होंने बोला कि वेरी गुड वरुण, ऐसे हाथ मिलाए मेरे से, तो फिर गया उनसे, फिर लिया गोल्ड मेडल, और फिर जाकर के फिर वाह वाह उठा, मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर कैंप खत्म, फिर कैंप घर में उस समय दिवाली का था, दिवाली का मौका था, दिवाली के टाइम पे छुट्टी मिला, तो फिर आया दिवाली मनाया, फिर उसके बाद फिर 8 नवंबर को मैं फिर वापस चला गया PRDC कैंप के लिए। तो IGC खत्म हो गया, IGC में मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं PRDC के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। RDC से पहले कैंप होता है ट्रेनिंग कैंप, उसको बोलते हैं PRDC, ठीक है। तो PRDC के लिए गया, तो PRDC में मतलब फिर से जो दो दो कंपटीटर थे उनको बुलाया गया, तो मेरे जो सीनियर थे वो फिर से आए, मतलब साथ में कम्पीट किए, तो फिर से रिटन टेस्ट हुआ, फिर से फायरिंग हुआ, फिर से ग्रुप डिस्कशन हुआ, फिर से DST हुआ, ये सब देख करके अब मैं फाइनल लॉट में आ चुका था। जब फाइनल लॉट में आया
तब समझा कि अरे यार अब तो यार दिल्ली जा रहा है भाई, चलो अब मतलब कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये प्रिटेक्स्ट नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करोगे, मेहनत मेहनत इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और सबको ये समझता था ना कि यार ये लोग तो मतलब जो मतलब मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे वो ये समझते थे कि यार ये तो, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एक नोशन रहता है ना बेस्ट कैडेट लोग का कि बेस्ट कैडेट लोग का तो पढ़ाई करना पड़ता है, तो फिर ये बोलते कि यार ये लोग का तो क्या ही मेहनत है, ये लोग तो बस पढ़ाई करते रहते हैं, हम लोग का मेहनत असली है, हम लोग जाते हैं धूप में ड्रिल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐसा नोशन बना के रखा है, तो ये नोशन नहीं है, ये वाला भी चीज गलत है, ठीक है। वो पढ़ाई करना है जो मेंटल प्रेशर होता है ना, और इतना मतलब एक साथ इतना कुछ करना, फायरिंग है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पढ़ाई, ड्रिल, ठीक है, तो एक साथ इतना कुछ, तो फिर मेहनत सभी को करता है, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर अब अपना तो यार सिलेक्शन हो गया, तो अब मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ। तो नवंबर आ चुका है, मिड नवंबर है, मिड नवंबर में सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। उसके बाद फिर सुबह उठो 5 बजे, मैं तो 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के पढ़ लेता था पहले पहले। और मेरा एक बात था ना कि मैं आपको जैसे बोला कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, बाहर जाते समय मैं हमेशा ना एकदम फोकस हो जाता हूँ, मतलब अल्ट्रा फोकस, ठीक है। तो ऐसा रहता है कि मैं यार घर से बाहर हूँ, वो एक इमोशनल फैक्टर भी काम करता है कि मैं यार घर से बाहर हूँ, घर में मम्मी है, दीदी है, पापा है, ठीक है, मैं वो लोग से बाहर हूँ, वो लोग एक आशा के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, मैं बाहर गया हूँ तो फिर मैं कुछ करूंगा, ठीक है। तो फिर अब मैं बाहर रह रहा हूँ तो फिर ऑफकोर्स मैं अपना 100% दूंगा, मैं बाहर रह रहा हूँ। और हमेशा से मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं एकदम डिसिप्लिन हो जाता हूँ, मतलब सुबह टाइम पे 4 बजे या फिर 3:30 बजे उठ जाना, 3:30 बजे उठ गया, फ्रेश हो गया, आ करके च्यवनप्राश खा लिया, ठंड का टाइम थे तो फिर च्यवनप्राश खा लो, इम्यूनिटी बढ़ा लो, च्यवनप्राश खा लिया, पढ़ लिया, पढ़ करके उसके बाद फिर आराम से 5-10 मिनट गाना सुन लो, माइंड फ्रेश, जाओ जैकेट पहनो और ट्रैक सूट पहनो और बूट पहनो, फिर चले जाओ ड्रिल करने के लिए। बिल्कुल। तो 5 बजे से हम लोग का सुबह 7 बजे तक ड्रिल होता था, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग को ब्रेक किया जाता था ब्रेकफास्ट के लिए, तो फटाफट दौड़ दौड़ के ब्रेकफास्ट करो, फिर बैरक में आओ, नहाओ, नहाने के बाद कपड़े पहनो, फिर जाओ कोत में राइफल लेने के लिए, राइफल लेकर के और राइफल को साफ करो, फिर फायरिंग करो 2-3 घंटे, फिर फायरिंग का प्रैक्टिस किया। और वो फायरिंग का प्रैक्टिस सीरियसली बहुत बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ मेरा प्रोग्रेसिंग ग्राफ। मेरा IGC के टाइम पे स्कोर था 80 आउट ऑफ 150, वो इतना प्रोग्रेस हुआ ना कि वो चला गया आपका 135, मतलब 135। तो अब क्या होता है ना, फायरिंग में भी बहुत सारा डायनेमिक होता है, फायरिंग में जैसे एक एक्रोनिम होता है हैट, हैट में HAT, H मतलब होल्डिंग, A फॉर एमिंग एंड T फॉर ट्रिगर ऑपरेशन, ठीक है। तो अच्छे से होल्ड करना है, अच्छे से एम करना और अच्छे से ट्रिगर ऑपरेशन करना है, ट्रिगर भी ना ऐसे दबाना है कि पूरा राइफल ना हिले, बस वो ट्रिगर हिले, ठीक है। तो बहुत सारा डायनेमिक होता है फायरिंग में, इतना ज्यादा है ना कि फायरिंग का अलग से 2 घंटा का सेशन हो जाए, ठीक है। तो फायरिंग करता था 2-3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद फ्लैग एरिया का ब्रीफिंग के लिए, फ्लैग एरिया का ब्रीफिंग के लिए जाओ, 1 घंटे प्रैक्टिस करो वहाँ पे फ्लैग एरिया के पास, अच्छे से वॉइस मॉड्यूलेशन करो, और 4 मिनट के अंदर तुम्हें अपना स्पीच खत्म करना है, एक 1.5 पेज का स्पीच है उसको 4 मिनट के अंदर कैसे खत्म करो ये तुम समझो, लेकिन प्रॉपर वर्ड वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रॉपर वर्ड का जो होता है ना वर्ड का उच्चारण, वो एकदम क्लियर एंड क्लियर करो, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि जो सुन रहा हो ना वो आराम से समझ पाए कि यस व्हाट आई एम टेलिंग, ऐसा करके। सो जैसे बोलते हैं कि जय हिंद सर, दिस इज करेक्ट वरुण राव, तो वॉइस एकदम चेंज हो जाता है ड्यूरिंग सेइंग। तो दिस वाज वन थिंग। फिर वो 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे, 1 बज गया, दोपहर का 1 बज रहा है, फटाफट जाओ क्योंकि भूख बहुत लग रहा है, फटाफट जाता हूँ, प्लेट लेता हूँ बैग में से, दौड़ के जाता हूँ खाने के लिए, अच्छे से खाता हूँ। अब खाने के बाद बहुत नींद आ रहा है तो जाकर के गाना सुना, गाना सुन के सो गया, सो करके 1 घंटे बाद उठा, और 1 घंटे बाद एकदम शरीर मतलब लाइक एकदम ऐसा होता है कि यार जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, शाम को भी हम लोग का अकेले के लिए ना 1 घंटा ड्रिल रखा गया था, हम लोग के जो BC के ट्रेनिंग ऑफिसर थे बेस्ट कैडेट के, करने लेके गुप्ता सर ने बोल के रखा था कि इनका ना 1 घंटा शाम को ना प्रैक्टिस कराना ये लोग को ड्रिल, ठीक है, ठीक है। तो फिर ड्रिल प्रैक्टिस करते थे, फिर उसके बाद 3-4 ड्रिल प्रैक्टिस हुआ, फिर 4 बजे से फटाफट फ्रेश होकर के
फटाफट मतलब 4 बजे से ही पढ़ना चालू होता था, लेकिन पसीने हो चुके तो फिर हल्के से फ्रेश हो लेते थे, हल्के से फ्रेश हो लेते थे फिर आ जाते थे पढ़ने के लिए, फिर बीच में स्नैक्स आके स्नैक्स खा लो, फिर वो जो पढ़ना स्टार्ट किया वो फिर रात को 9-9:30 बजे तक कंटिन्यू रहता था, तो फिर उसके बाद फिर रात को डिनर करने में भी टाइम चले जाता था, तो फिर रात को डिनर करता था आकर के आधा घंटा पढ़ लिया फिर से टेंट में, हम लोग का एक अलग से टेंट था बैरक से दूर जिससे कि हम लोग को डिस्टर्ब ना हो, तो टेंट में पढ़ लिया फिर उसके बाद आकर के सो गया, जैसे लेटो रात को फोन में मम्मी से बात किया, बात करके फोन रखा फिर सो गया, सो करके फिर सुबह उठो, तो ये मेरा डेली रूटीन था और ये डेली रूटीन बहुत हैक्टिक रूटीन जी मैम, तो ये डेली रूटीन था, फिर डेली रूटीन ये चलता रहा आपका टिल 14th December, ठीक है, 15th December जो लास्ट डे था दैट वाज मेमोरेबल, ठीक है, मतलब मैं पहली बार कैंप से बाहर निकला, मतलब क्या होता है ना कि बॉनफायर कैंप हुआ था, मतलब लास्ट डे था कैंप का बिफोर डिपार्टिंग फॉर न्यू दिल्ली, तो पार्टी हुआ था विद सरन और सबको डांस वांस किया था उस दिन, बहुत मजा आया था, ठीक है, गाना वाना बजाया गया, फिर एक बॉनफायर जैसे लकड़ी से लेकर के फिर आग भी जलाया गया, ऐसा मतलब इट वॉज वेरी जॉयफुल एनवायरमेंट, वेरी कोजी एनवायरमेंट ऐसा था, तो फिर वो हो गया, पैक करके अपना ट्रैक सूट पहना, फर्स्ट टाइम मैं ट्रैक सूट पहन रहा हूँ, मतलब अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ट्रैक सूट को मैं देखा था सीनियर्स लोग पहने हुए थे, तो वो होता है ना कि अब मैं भी एलिजिबल हुए ट्रैक सूट पहनने के लिए, तो वो एक था चीज, तो ये हुआ, फिर उसके बाद ट्रैक सूट पहना, पहली बार अपना RDC का शूज पहना, कैप पहना, बैग लिया, ट्रॉली लिया, सब कुछ लेकर के फिर चलो भाई निकलो सफर में, बहुत ही ज्यादा ऐसा फीलिंग आ रहा था ना कि यार अब तो दिल्ली जा रहे हैं यार, अब खुशी का ही माहौल है, फिर वहां पे जाएंगे क्या होगा, पहली बार जा रहे हैं, मतलब वो सब चीज जो फोटो में देखते थे, जो मोबाइल में देखते थे, इंस्टाग्राम में देखते थे, वो सब अब सामने से देखेंगे, ऐसा था, और हमारे जो कंटिजेंट कमांडर थे कर्नल AK गुप्ता सर, वो हमारे बेस्केट के ट्रेनिंग ऑफिसर भी थे, एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव, लाइक ही वाज अल्ट्रा पॉजिटिव इन द सेंस ना कि ही यूज्ड टू टीच अस इन सच अ वे ना कि कभी पनिशमेंट नहीं देते थे, ठीक है, एक बार भी पनिशमेंट नहीं दिया, एक बार भी उनको मैं डांटते हुए सुना नहीं था, लेकिन वो एक इंस्टेंस में डांटे थे जो मैं आपको बोलूंगा बाद में, ठीक है, तो हम लोग फिर दिल्ली के लिए डिपार्ट हो गए at 8 AM, दिल्ली पहुंचे तो फिर वो भाई साहब मतलब सेपरेट फीलिंग एकदम, बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग आ रहा था जब दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि उस समय जाने जन में यही बोला था कि यार यहाँ से मैं कुछ करके जाऊंगा यार, ऐसे खाली तो नहीं जाऊंगा, यहाँ से मैं कुछ करके जाऊंगा, मिस्ड हुआ, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा खुशी, ऐसे मैं तो हर जगह रिकॉर्ड कर रहा था कि यार देखो ये इधर है वो उधर है, ऐसे ब्लॉगिंग टाइप से कर रहा था, फिर कैंटोनमेंट आया, कैंटोनमेंट जाकर के मैं बोली थी कि अरे यार एकदम सब कुछ शांत हो जाओ, अभी एकदम डिसिप्लिन ऐसा ऐसा क्या होता है ना, ऐसे कैंप में घुसते हैं ना हम लोग का ना असेसिंग चालू हो जाता है कि डेडेड का ये बंदा अगर ज्यादा शोर कर रहा है तो फिर डेडेड का मास्क करना, क्योंकि एसएसआर ना हमेशा सोचता है कि यार इसका मार्क्स कैसे काटे, मार्क्स देने मार्क्स काटने का मौका मत दो, चुप डिसिप्लिन, अपना जयकारा किए, भारत माता की जय लगाए, वेस्ट बंगाल सिक्किम डेडेड की जयकारा ऐसे करके लगाए हम लोग, फिर पहुंच गए अंदर, गए रिपोर्टिंग हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर सबको एक को वो लोग स्नैक्स दे करके रूम में भेज दिए, अब जब फर्स्ट टाइम मतलब वो जो होता है ना DGNCC का, वो मेन DGNCC में ना एक रोड है उसको बोलते हैं राजपथ और एक बोलते हैं जनपथ, ठीक है, जनपथ होता है जहाँ पे मेस है, जनपथ के साइड में मेस जितने भी सारे मेस वाले रूम है उधर है, और राजपथ में जितने भी मेन बैरक है आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में NCC का फोटो में लाल कलर का बिल्डिंग होगा, तो वो जो लाल कलर का बिल्डिंग में जो रोड है ना उस रोड को बोलते हैं राजपथ, ठीक है, तो फिर वो लाल कलर का बिल्डिंग जब हम लोग देखते, मैं बोला कि ओ भाई साहब मतलब जो फोटो में देख रहे यार मतलब रियल आ गया यार, तो फिर हम लोग देखे कि अच्छा इधर वेस्ट बंगाल सिक्किम लिखा हुआ है तो इधर हम लोग को जाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग लाइन से होकर के चले गए अंदर, तो ये सब करने के बाद फिर पढ़ना स्टार्ट, 15 दिन को क्वारंटीन था, 18 से 31 December क्वारंटीन था, और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ जब कैंप स्टार्ट हुआ 1 January, हम लोग का 2 January को एग्जाम था रिटन का, उससे पहले हम लोग के जो ब्रिगेडियर सर थे ब्रिगेडियर दीपक बनर्जी सर वो हम लोग से मिलने आए थे, जोश दे करके गए, मेरा मन में ये भी था कि क्या मैं उस उनके वादों पे या फिर उनका जो विश्वास उन पे अपन अमल कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसके लिए भी हल्का सा बहुत ही अंदर से ये भी लग रहा था मतलब सेल्फ डाउट हो रहा था, ठीक है, तो फिर मैं बोला कि यार अब
कुछ नहीं कर सकते, अब तो टाइम आ गया, अब सेल्फ डाउट करने से कुछ नहीं होगा यार, मतलब जो हो सकता है वो हो सकता है, अब जाओ यार परफॉर्म करो और क्या। तो कैंप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो जनवरी 2 जनवरी को टेस्ट होता है। सो रिटेन टेस्ट में एज 75 क्वेश्चंस था, 75 में 25 इज करंट अफेयर्स, 25 इज स्पेशल सब्जेक्ट, 25 इज तुम्हारा कॉमन सब्जेक्ट। तो स्पेशल कॉमन पहले बोल चुका हूँ, सो कॉमन का जो प्रेसी है डीजीएनसीसी का ऐप से वो ही बस पढ़ना है, स्पेशल का भी प्रेसी पढ़ना है डीजीएनसीसी ऐप से और कुछ नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर्स अंडर 247, दैट इज द ओनली पर्टिकुलर सोर्स फॉर एनसीसी का एग्जाम, वो पढ़ो तुम गंगा नहालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम खत्म हो गया, नेगेटिव मार्किंग था तो मैं कमन अटेंड किया, मेरे को रिस्क नहीं लेना था, मतलब एकदम यार अब होता है ना कि रिस्क टेकर के चलते 75 में 75 मार्क आ जाओ तो फिर ये बहुत ज्यादा रिस्क लेना हो जाएगा, मतलब ये फिर पागलपंती हो जाएगी। तो फिर मैं फिर 55 क्वेश्चन अटेंड किया और फिर मैं फिर जब बाहर आ करके देखा कि मेरे जो बडीज थे टीम के उन्होंने 75 कोई 72 क्वेश्चन अटेंड किया, कोई 70 क्वेश्चन अटेंड किया, मैं बोला कि यार शायद कोई कमी हो गया होगा, तो मैं उससे बहुत डिमोटिवेट हो गया था। तो फिर मां करके हल्का सा इमोशनल भी हो गया था कि यार इतना जो मेहनत किया सब पानी में चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि बेस्ट क्रेडिट में रिटर्न इज मेन, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रिल टेस्ट का बारी है, ड्रिल टेस्ट किया, ड्रिल टेस्ट में लाइक ऐसा था ड्रिल टेस्ट में कि इट वॉज एवरेज एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट ड्रिल में, क्योंकि इतना प्रैक्टिस मेरे को मिल चुका था ना कि मेरे को कॉन्फिडेंट बन चुका था मैं। फिर इस ड्रिल टेस्ट के बाद आपका स्क्वाड ड्रिल टेस्ट हो, मतलब स्क्वाड को कमांड करना था, वो भी मैं किया। फिर उसके बाद उसके अगले दिन आपका इंटरव्यू और जीडी होता है, तो इंटरव्यू फर्स्ट टाइम मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 3 ऑफिसर का पैनल था उसमें, तो 3 ऑफिसर के पैनल में एक थे एयर वाइस मार्शल, एक थे ब्रिगेडियर और एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल सर, तो ये हम लोग का इंटरव्यूइंग पैनल था। तो क्वेश्चन मैंने पूछा मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में, अब सिंस आई वॉज फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, सो ही आस्क्ड दैट वरुण यू आर फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, योर यूनिवर्सिटी रिमेन्स इन न्यूज, व्हाई? सो आई सेड कि सर अभी हाल ही में देयर वाज एन इंसिडेंट वेयर द स्टूडेंट एक्टिविस्ट ऑफ द यूनियंस ऑफ आवर यूनिवर्सिटी गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग ऑन द री ओपनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सो एंड इट वॉज ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, सो ये हो सकता है ना, लाइक इट वॉज क्वाइट नेचुरल प्रोटेस्टिंग एंड ऑल। So then I also said, ki, sir, what is the importance of politics? What is the importance of politics in students' life? And why everyone should know politics? These all things which I explained to him. And I also explained, ki, sir, student union ka importance kya hai? Ab naturally kya hota hai na, ki when there is a union, then you can voice your grievances in front of the administration. So it's the thing is same with the student unions also. The duty of student unions is to address the grievances or to give voice to the students' grievances to the administration, and it's really helpful because we in the university administration bahut sare aisa kaam karte hain which is very unwelcome. So fir student union take the other side, matlab wo ghi is tarike se nikalo, us tarike se nikalo, ki protest karo, demonstration nikalo, pamphlets distribute karo. So aise karke hum log fir administration ke sath jo wo रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस होता है, इसको हम लोग मैकेनाइज करते हैं, इसको हम लोग चलाते हैं, ऐसा पूरा सिस्टम चलता है। उनको ये सब समझाया। देन सिंस मैं जैसे बोला कि सिंस आई वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो मैं ये एक चीज लेकर के गया था इंटरव्यू में कि मैं ऑलरेडी मैं जानता था क्या था ना कि मैं इंटरव्यू का सारा क्वेश्चन ना मैं डायरी में लिख चुका था पहले से। मैं लिखा था कि इंट्रोडक्शन क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मेरे जगह के बारे में, पापा क्या काम करते हैं, मम्मी का क्वालिटी, पापा का क्वालिटी, मेरी दीदी के बारे में, मेरी दोनों दीदी हैं, दोनों दीदी के बारे में लिखा, वो लोग कौन से कॉलेज से पढ़ी है उनके बारे में लिखा, मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा, मैं एनसीसी क्यों ज्वाइन किया, क्यों मैं बेस्ट ग्रेड बनना चाहता हूँ, क्यों मैं आरडीसी में आया, क्यों मैं ऑल इंडिया बेस्ट ग्रेड बनना चाहता हूँ, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था, मैं लिखा, पढ़ के मैं गया। हॉबी के ऊपर मेरा अलग से 15 पेज का लाइक नोट था, वो भी पढ़ के चला गया, कुछ भी आ जाए, लाइक होता है ना कंटिजेंसी प्लान बना के रखो हमेशा, कुछ भी आ जाए तो फिर यूज कर लो, right. तो फिर चलो वो हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या किया, उसके बाद फिर मैं बहुत सारा आईएएस का मॉक इंटरव्यू दिखता है, आईएएस आईपीएस का, तो फिर उन्होंने जो वेस्ट बंगाल से होते हैं ना उनको एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ कि
व्हेन लाइक व्हाइल वेस्ट बंगाल का ग्रोथ रेट इज वेरी लेस, ठीक है, सो मैं ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था कि ये आ सकता है, सो मैं प्रिपेयर करके किया था, सो वहां पे क्वेश्चन आ गया, सो मैं प्रिपेयर कर गया था, मैं चला गया भाई, मैं बोल दिया, ठीक है, सो ये हो गया। देन उसके बाद फिर एयर वाइस मार्शल सर ने पूछा कि वरुण हैव यू डन एरो मॉडलिंग एंड हैव यू डन फ्लाइंग, सो व्हेन ही सेड हैव यू डन एरो मॉडलिंग आई सेड नो सर, हैव यू डन फ्लाइंग नो सर, देन ही सेड देन आफ्टर listening to knows he said ki varun then how come you are representing west bengal singing united in best competition sir ko bola ki sir I didn't got the opportunity because of covid if I would have gotten the opportunity I would have utilized it then okay then he said ki okay varun thank you so much then the interview ended here fir uske baad main fir jab interact kiya baaki sare cadet se matlab jo air force ki best cadet mein compete kar rahe the unne bola ki yaar mere se to ye pucha wo pucha bola ki yaar mere se to kuch nahi pucha मेरा बस लिटरली 3 to 5 minutes का इंटरव्यू था बस हो गया तो मैं फिर लाइक आई वाज आल्सो लाइक क्वाइट होपलेस कि यार अब क्या होगा ठीक है तो फिर उसके बाद जीडी के लिए चला गया तो जीडी हुआ तो जीडी में भी आई वाज क्वाइट रिलैक्स मेरे को लगा था कि चलो अब नैया मेरा डूब चुका है अब चिंता करके कोई फायदा नहीं है ठीक है तो जीडी का टाइम आया दैट वाज द बेस्ट जीडी व्हिच आई गिव तो क्या हुआ कि टॉपिक था कि वर्क फ्रॉम होम ही सस्टेनेबल है कि नहीं ठीक है तो मैं उठा बाकी सबको ने बोला कोई ना आउट ऑफ टॉपिक बोल रहा था तो मैं क्या किया मैं उठा मैं उनको पहले समझाया कि टॉपिक क्या है एंड आई वुड स्टेट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फिश मार्केट उधर नहीं हुआ था क्योंकि जो पैनल थे ऑफ जजेस उन्होंने बोला था कि एनी कैरेट हु विल क्रिएट फिश मार्केट विल इनवाइट नेगेटिव मार्क्स तो फिर उन्होंने सबको चांस दिया था ठीक है विच इज क्वाइट एबनॉर्मल ना क्योंकि डिफेंस में ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट होता ही लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ था एंड आई एम क्वाइट लकी इन दिस रिस्पेक्ट ठीक है कि ऐसा नहीं हुआ मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला सो जब मैं उठा मैं उन लोगों को समझाया कि देखो दिस इज द टॉपिक सस्टेनेबल का मतलब समझाया कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है सस्टेनेबल इज अ थिंग जो प्रेजेंट जनरेशन में यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन में यूज कर सके दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सस्टेनेबल दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी ठीक है फिर उसके बाद मैंने वर्क फ्रॉम होम को बोला कि वर्क फ्रॉम होम इज नॉट सस्टेनेबल फिर कैसे क्यों हुआ उसका इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल सारे रीजन बोले फिर इकोनॉमिक के साथ डेटा फिगर जोड़ दिया पॉलिटिकल साथ डेटा फिगर जोड़ दिया सोशल के साथ डेटा फिगर जोड़ दिया तो ये था मेरा ग्रुप डिस्कशन इट वॉज द बेस्ट ग्रुप डिस्कशन विच आई एवर हैड ठीक है लाइक इन दिस होल बेस्ट ग्रेड का जर्नी देन उसके बाद फिर आफ्टर ग्रुप डिस्कशन आई गेन्ड अ बिट कॉन्फिडेंस क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार ग्रुप से मैं अच्छा बोला ठीक है बहुत सारे ऐसे भी कैट जैसे यूपी वाला था फिर उत्तराखंड वाला था वो था कि यार लाइक अच्छा बोला तुमने वो कि यार थैंक यू सो मच सीओ सर को बोला कि चलो वरुण वह सीओ सर हंस रहे थे मैं बोला कि थैंक यू सो मच सर तो फिर उसके बाद ये हो गया देन देयर कम्स द इंटरव्यू ऑफ DGNCC एंड आई वुड स्टेट वन मोर थिंग मेरे ईयर पे फायरिंग नहीं हुआ था क्योंकि कोविड चल रहा था और उस टाइम पे 2022 के टाइम में जनवरी में पूरे इंडिया में अराउंड 1 lakh केस आ रहा था 1 lakh के ऊपर केस आ रहा था कोविड का तो इसीलिए मेरा फायरिंग नहीं हुआ था क्योंकि फायरिंग के लिए हम लोग को कैंटोनमेंट से बाहर जाना था और हम लोग के कैंटोनमेंट को ना एक बबल के रूप में कर दिया गया था ठीक है सबका कोविड टेस्ट हो गया था एवरीवन वाज नेगेटिव ठीक है लाइक जो भी अगर कुछ इक्का दुक्का केस हो रहा था वो लोग को पर्टिकुलरली आइसोलेट कर दिया जा रहा था ठीक है सो दे डिडंट वांट टू टेक रिस्क इसलिए फायरिंग को लाइक अबैंडन कर दिया गया एक्सक्लूड कर दिया गया कंपटीशन के प्रोसीड्यूर से ठीक है उसके बाद फिर पीएम रैली का प्रैक्टिस चालू हो गया था पीएम रैली का दो बार कंपटीशन हुआ उस दो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया प्रैक्टिस हो रहा था पीएम रैली का ऑन आर्मी परेड ग्राउंड जिसको करेपा परेड ग्राउंड भी बोलते हैं तो वहां पे प्रैक्टिस करके शाम को आ रहे थे वापस तो फिर सर ने बोला कि वरुण यू विल बी इंटरव्यूड बाय DGNCC यू आर इन टॉप 4 देन मैं बोला कि ओ माय गॉड सर लाइक माय रिएक्शन वाज सीरियसली वेरी नॉर्मलाइज्ड कि ओ सर थैंक यू सो मच फिर सर वो सर ऐसे हाथ में हमने फोन लिया सर का ना हाथ पकड़ के नीचे आया बोला कि सर प्लीज दिखाइए मेरे को तो फिर सर को दिखवा बोला कि ओ माय गॉड इट्स अ वेरी बिग डील
तो फिर शाम को उस दिन देर वॉज वन मीटिंग लाइक ऑडिटोरियम हॉल में एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाला था जिसमें कैडेट्स लोग को बुलाया गया था. मैं बोला सर ने बोला था कि वरुण तुम जाओगे. मैं बोला कि सर नहीं जाऊंगा मैं, मेरा कल इंटरव्यू आई विल प्रिपेयर. ओके तो फिर प्रिपेयर किया. फिर मैं अपना सीनियर्स को भी बोला कि सर सीनियर आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डीजी इंटरव्यू. सो दे वर ऑल्सो हैप्पी. सो डीजी इंटरव्यू होगा मेरा. देन नेक्स्ट डे डीजी इंटरव्यू हुआ मेरे लिए. फिर उसके बाद मेरे लिए अलग से ना सीओ सर ने ना एक शूज बनाया था. मतलब शूज को अच्छे से शाइन वाइन करा के रख दिया. बोले कि वरुण तुम ये पहन के जाना. तो बोले कि ठीक है सर थैंक यू सो मच. तो फिर मैं ये हो गया. अब जाकर के मैं चला डीजी के इंटरव्यू में. अब क्या था ना मैम, एक चीज है कि एयरफोर्स सबका ना सिस्टमैटिकली हो रहा था. एयरफोर्स का तो लास्ट में ही होना है. अब लिटरली आई एम टेलिंग यू उधर डीजी खड़े इंटरव्यू के लिए ना और कोई कोई कैडेट ना इधर सो रहे हैं. ठीक है क्योंकि इतना वेट करना पड़ रहा है और सबको ठीक से नींद नहीं मिलते हैं. तो मैं भी सो गया था. मैं भी सो गया था. चेयर में बैठे सो गया. जैसे जब समय आया तो समय आने पे आई वेंट देयर. जो इंटरव्यूइंग रूम है उसके बाहर चेयर लगवा था, वहाँ पे जाके बैठा. वहाँ पे बैठ करके जब मेरा चांस है तो मैं उठा. देन दैट वॉज द मोमेंट कि यार डीजी सर. And that was the first time when I was talking to DG. क्योंकि कोरोना था उतना DG सर के साथ इंटरेक्शन भी नहीं था. That was the first moment जब वो मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे थे, जब वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे. तो फिर आई वेंट देयर और अगेन दैट मोमेंट ओनली लाइक लास्ट प्लेयर से. फिर रूम खोला, बोला मैं कम इन सर. देन आई वेंट देयर, आई स्टूड देयर एंड आई सेड जयंत सर. फिर मैं आया, मैं फिर बोला कि जयंत सर दिस इज करेक्ट वरुण राव. सब बोले कि वरुण सेट डाउन. सो आई सेट डाउन. Then he asked me, okay, Varun, please give your introduction. Okay. So I gave my introduction. Then that interview lasted for around 20 to 25 minutes. Like it was a long interview. Like he wanted to know everything. Okay. Like he said, Varun, why do you want to join the services? So then I clearly jotted down the points. Like I already jotted down the points in my diary. Na? So I was all याद करके आ गया था. तो मैं फटाफट जैसे वो क्वेश्चन पूछे मैं वैसे बोल दिया. ठीक है. बस उसके बाद just एकदम ओके हो गया. देन उसके बाद ही सेड मी कि वरुण हॉबीज के बारे में बताओ. सो बोला कि सर रीडिंग डिबेटिंग एंड मेडिटेशन. देन ही सेड कि रीडिंग लाइक अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ा है विंग्स ऑफ फायर. देन आई सेड यस सर. देन ही आस्क्ड मी कि समरी. तो आई न्यू कि समरी पूछते हैं. ठीक है, मेरे को पता था कि अगर तुम कोई बुक बोलोगे तो फिर उन्होंने वो समरी बोलेंगे. अब मैं समरी ना प्रिपेयर कर गया था. समरी बोल दिया, उनको लग गया कि मेरे को पता है. तो फिर बोले कि ओके वरुण, ओके वरुण, दैट्स इट. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वरुण कंसीडर कि यू आर अ पीआई स्टाफ ऑफ अ यूनिट, तो फिर तुम क्या करोगे. तो मैं बोला कि सर पीआई स्टाफ ऑफ यूनिट अगर मैं होऊंगा तो फिर जो एनसीसी जिस काम के लिए बना है, जो उसका एम है, जो उसका मोटो है, मैं ऑफकोर्स वो चाहूंगा कि वो फॉलो हो. हर एक कैडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा. मैं हर एक कैडेट का पर्सनैलिटी ऐसे ग्रूम करूंगा ना कि वो एक रेस्पॉन्सिबल मॉडल सिटीजन बन जाए देश के लिए. जिस पर्पस के लिए एनसीसी बना है उस पर्पस को मैं आराम से फुलफिल कर पाऊँ और मैं अपना ड्यूटी अच्छे से निभा पाऊँ. मेरा ये रिएक्शन होगा एज अ पीआई स्टाफ ऑफ माय यूनिट. देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि वरुण कैंप कैसे चल रहा है आरडीसी का, अच्छा लग रहा है सब कुछ, खाना वाना ठीक है. आई सेड कि सर एकदम लाइक एवरीथिंग इज गुड. देन ही सेड कि वरुण लाइक एनी सजेशंस फॉर द process of selections of best cadet. Then I said ki no sir, the screening process is very good. Like every cadet is getting the opportunity to assess himself or herself. They are getting opportunity at every step to prove themselves. Right. Okay. And I don't think that this process needs any suggestion. Then he was actually stressing this question ki sab kuch theek ho raha hai, sab kuch theek ho raha hai. And I would tell you one thing ki I like before DGNC ka interview na I got a recommendation like I got suggestion from my senior ki Varun wo na aisa question puchenge lekin tumne aisa jawab dena ki matlab bolna ki sab kuch acha chal raha hai. And then fir wo yahi fir se yahan pe jackpot lag gaya. Wo yahi same question puch raha hai ki kaise chal raha hai, kaise chal raha hai. Like no sir, everything is fine and all, everything is good and all. Theek hai. To ye sab question pucha unhone. Fir उसके बाद he said कि okay Varun thank you so much, it was a nice interview. ठीक है. then I said कि thank you so much sir, जय हिंद. मैं पीछे मुड़ा ड्रिल करते हुए मार्चिंग करते हुए फिर चला गया. then उसके बाद सबका इंटरव्यू का वेट किया, सबका इंटरव्यू खत्म हो गया.
हम लोग फिर बैठे हुए थे, बैठ करके मेरे को और आंध्र प्रदेश तेलंगाना डायरेक्टरेट का एक बेस्ट कैडेट था के वेणुगोपाल राव, उनको फिर बुलाया गया। तो मेरा नाम था वरुण राव, उसका नाम था के वेणुगोपाल राव, ठीक है। तो राव राव हो गया, तो फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को बुलाया ना, मतलब कहीं सुनने में तो दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर मैं फिर चला गया वहां पे, जाकर सर ने पूछा कि वरुण इफ यू आर अ यूथ लीडर इन योर कंट्री देन व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री। देन आई क्लियरली लाइक आई मेड अ बोल्ड वॉइस एंड आई सेड कि सर आई वुड फर्स्ट टेल द यूथ्स टू बिलीव इन देमसेल्व्स एंड to make that belief so strong now that whatever the hindrance may be, whatever the hindrance may come to your path, that hindrance would be overcome by your belief. Always be confident and be disciplined so that you could achieve your every target. Then he said, okay sir, okay Varun, thank you so much. Then us wahan pe that was ended aur fir wahan pe fir Andhra Pradesh ka banda gaya Venugopal Rao. फिर उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद खत्म। यहाँ पे सारा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो गया था मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर दो तीन दिन के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ, उसमें रिजल्ट्स के मोमेंट में लाइक जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सो आई लाइक आई वाज ईटिंग ऑरेंजेस, मैं ऑरेंज खा रहा था। गुजरात का बंदा आकर के बोला कि भाई रिजल्ट आया है, तो मैं फिर देख करके बोला कि देख तेरा नाम वरुण है ना, मैं बोला कि हाँ वरुण राव, वरुण राव नाम है। तो मैं रिजल्ट देखा 1111, मैं इतना तीन चार बार चेक किया लिस्ट कि यार वन है ना। तो मैंने बोला कि ओ माय गॉड आई बिकेम दी लाइक आई बिकेम दी AIVC। तो फिर जो भैया जो मतलब कंटिन्यू था जो स्टाफ आता है ना वो उनको मैं उन स्टाफ को मैं गले लगाया। फिर अंदर जो JCO सर थे उनको मैं बोला कि सर लाइक उनका पैर छुआ, सब बोला कि सर आप लोग का आशीर्वाद से देखिए मैं बिस्किट बन गया। फिर मैं जब नीचे गया CEO सर से मिलने के लिए, CEO सर नीचे थे ग्राउंड फ्लोर में उनको ऑफिस में, तो फिर सारे उनको पता चल गया था, मेरे सारे दोस्तों को पता चल गया था कि मैं AIVC बन गया। तो फिर वो लोग सब घेरा बना करके वरुण वरुण से चीयर अप कर रहे थे, लाइक बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर नीचे गया, नीचे जाकर CEO सर से मिला, CEO सर का पैर छुआ, बोला कि सर सब आपकी वजह से हुआ, मतलब फिर ये सब चला। फिर उसके बाद मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा को बताने से मैं रो दिया हल्का सा। फिर कॉल्स आते रहे, जैसा होता है कॉल आ रहा था, मतलब ऐसे फोन को छोड़ दिया, बस कॉल आया जा रहा और कुछ सुनो नहीं रहा। देन उसके बाद कम्स दी प्रोसेस ऑफ कि अब क्या होगा, लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। तो आई वाज सिटिंग लाइक अब ऐसा था ना कि अब चलो सारा टेंशन खत्म हो गया, अब कुछ मत करो यार, अब मेरे को अकेला छोड़ो, ऑल इंडिया बेस्ट करंट बन चुके हो। एग्जैक्टली। सो फिर उसके बाद शाम को बैठा हूँ, शाम को सर आके बोलते हैं कि वरुण यू नीड टू गो टू YP ब्लॉक, तुमको ना शिफ्ट किया जाएगा क्वारंटीन, मतलब कोविड से बचने के लिए, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मैं सोचा कि अरे यार YP ब्लॉक ये तो बहुत प्रेस्टिजियस ब्लॉक होता है, मतलब जितने भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वाले कैडेट्स होते हैं ना, सिलेक्टेड कैडेट्स, उनको YP ब्लॉक में रखने दिया जाता है बिफोर डिपार्टिंग टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। फिर वहां पे जाकर के मैं रुका वहां पे, व्हेन आई वेंट देयर वाज लाइक टोटल सेपरेट रूम, मतलब अलग से, मतलब अटैच्ड बाथरूम है, देयर इज अ मिरर, देयर इज अलमीरा, देयर इज ऑर्गेनाइज्ड बंक बेड, मतलब एवरीथिंग गॉट डिफरेंट एंड आई सेड कि ओ माय गॉड, तो फीलिंग डिफरेंट था। देन द प्रैक्टिस स्टार्टेड क्या हुआ, अवार्ड लेने का प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, दो तीन दिन तक चला। That was also very tiring क्योंकि हम लोगों को since we would come in front of Prime Minister, तो फिर हम लोग का एकदम drill एकदम मस्त होना चाहिए था, तो वो ensure करने के लिए हम लोग को बहुत practice करवाया गया। ऐसा था ना कि वो तीन चार दिनों में ना हम लोगों ने वो same procedure जो आपने वीडियो में देखा है award लेने का, कम से कम 50-80 times किया होगा तीन चार दिनों में, ठीक है, ऐसा था। तो इतना टायरिंग हो गया था। फिर उसके बाद आया द मोमेंट ऑफ 28, लाइक द डे ऑफ 28th January, हम लोगों को क्या था ना, एक सिक्योरिटी पास मिला था बाय दिल्ली पुलिस, ठीक है, उसमें मेरा नाम लिखा था, लाइक सिक्योरिटी कोड लिखा था, क्योंकि सिंस आई वुड बी इन फ्रंट ऑफ मोदी एंड इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सर, तो फिर वो सिक्योरिटी पास लगा के रखा हूँ, जिससे कि जब when I will go to the परेड ग्राउंड, तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रहेंगे ना, तो फिर वहाँ पे दे वुड लाइक गिव एक्सेस टू मी, ओके। तो फिर
गया मैं, एवरीथिंग लाइक इट वाज सो स्टेज ना, पूरा फ्लावर्स पूरा सजा हुआ ग्राउंड, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, सारे परेड हुआ। फिर जब प्राइम मिनिस्टर जब मोदी जी आए ना, तो फिर लाइक ही केम अलॉन्ग विद सो मेनी व्हीकल्स, पूरा ब्लैक्स, लाइक इट वाज अ वेरी लाइक टोटली डिफरेंट फीलिंग। लाइक उनको देखना, डिफेंस मिनिस्टर को देखना, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, आर्मी स्टाफ, देन एयर स्टाफ, सबको देखना, इट वाज लाइक बहुत ज्यादा अलग सा फीलिंग आ रहा था। देन उसके बाद फिर जब मेरा मोमेंट आया कि जाके अवार्ड रिसीव करो, दैट वाज द थिंग। मेरा बस यही था कि यार अब जो मार्चिंग करूंगा ये मार्चिंग में पूरा दम लगा देना है, ठीक है। तो मार्चिंग किया, मार्चिंग में अवार्ड लिया फिर। और मेरा एक सौभाग्य चीज था कि मेरे को मौका मिला था कि मम्मी पापा को बुलाने का, तो फिर वो चीज मम्मी पापा मैंने विटनेस किया था और बहुत अच्छा लगा था। लाइक जब अवार्ड मिल गया ना, जब मोदी जी चले गए, तो फिर अब क्या था, ऑडियंस में जितने भी पेरेंट्स आए थे, कैडेट्स थे, वो लोग एक दूसरे से बात बात कर रहे थे। लाइक होता है ना एक इवेंट के बाद कैसा होता है कि सबको एक दूसरे से मिलता जुलता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे मोमेंट था। अब सिंस इट वाज द सेकंड लास्ट डे ऑफ कैंप, तो फिर सबको ऐसे भी लाइक मिलने का, अब तो क्या होता है ना कैंप के लास्ट में ना, एवरीथिंग गेट्स फ्लेक्सिबल, रूल्स गेट फ्लेक्सिबल कि तुम कर सकते हो कुछ, लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिबर्टी, ऐसा कुछ, ठीक है। सो आई रिमेंबर दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट, आई वॉज होल्डिंग माई केन, लाइक केन को ऐसे पकड़ते हैं ना जैसे वो कमीशन ऑफिसर पकड़ते हैं। सो मेरे वाले को तो बोलते बैटन, ठीक है, तो मैं बैटन ऐसे पकड़ा था, ठीक है, तो बैटन को पकड़ के मैं ऐसे नीचे गया, मम्मी को सैल्यूट मारा, ठीक है, फिर पापा को सैल्यूट मारा, तो फिर पापा सैल्यूट, दोनों का पैर छुआ, फिर गले लगाया, फिर उसके बाद हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जी जी जी, फिर मतलब लाइक पापा तो मतलब एक दो मिनट तक ऐसे गले लगा के ठोकते रहे, ऐसे पीठ में ऐसे शाबाशी देते रहे ऐसे करके, फिर जाकर क्या दोस्तों से मिलाया, सर से मिलाया, तो फिर उसके बाद यही मतलब अच्छा फीलिंग था। फिर नेक्स्ट डे अवार्ड सेरेमनी होना था 29 जनवरी को, जिसमें मेरे को वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ का ट्रॉफी मिला था, उसका फिर प्रैक्टिस हुआ, और फिर नेक्स्ट डे फिर वो मतलब फोटो सेशन हुआ विद डीजी सर, स्नैक्स का टाइम आया, सबको खाया पिया, फिर पैकिंग वैकिंग शुरू हो गया जाने का, फिर लाइक चले गए हम लोग 30 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग, we departed from DGNCC. So this was my whole RDC ka journey. So Varun, I want to know, there are a lot of doubts regarding ki kaun se saal mein aap eligible hote ho Republic Day camp ke jaane ke liye. So second year ya third year. So please clarify this thing. Okay. So NCC ka jo senior division wala senior division senior wing wala part hai, wo 10 year hota 3 saal ka, as I already stated. So first year is dedicated for only training, no camps. From second year you can do any camp. Okay. So second year say you are eligible for doing camp like RDC, YAP, jo karo, you are eligible for everything. Okay. So I want to know, what are the challenges did you face during, you know, your journey to Republic Day camp and becoming All India Best Cadet, and what are the things that you have learned throughout your journey? So please highlight. Challenges, ma'am, yehi tha ki अपने आप से लड़ना है, क्या मतलब वो होता है ना कि आराम का जिंदगी है, उसके बाद अचानक से यू आर देयर इन एन एडवर्स एनवायरनमेंट, तो फिर उससे कोप अप करना, अपने आप को, अपना बॉडी साइकिल जो है उसको एक्लिमेटाइज करना है वो एक एडवर्स एनवायरनमेंट में। सो दिस वाज वन थिंग, दिस वाज अ चैलेंज विच आई लाइक आई ओवरकम, एंड देन क्या मैं सीखा, मैं यही सीखा ना, मैं इनफैक्ट मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमेशा ना हम्बल रहो, ठीक है, मतलब अगर जीते, अगर कोई विजेता है उसको ना हमेशा हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि अगर वो कुछ बोलता भी है ना तो ना उसको अहंकार की नजरिए से देखा जाता है। बिल्कुल। तो कभी अहंकार नहीं करना, मतलब ये वाला जो हम्बल वाला चीज़ है ना, ये मैं हमेशा सीखा। मैं थ्रू आउट दी जर्नी, मेरे को सारे कंटिजेंट वालों ने मेरा हेल्प किया है। मेरा एक बड़ी था चंदन ठाकुर, मेरे सीनियर सुमन दास, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, और मैं इनफैक्ट हमेशा ना ग्राउंड कर रहता था कि नहीं वरुण, यू हैव टू लाइक रिमेन ग्राउंडेड, यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ वाला पर्सन, नहीं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि जो ऐसा उड़ता है वो इट इज दे आर डिस्टाइंड टू फॉल, अगर जो ऐसा अहंकार के बल पे उड़ता है। So, ये मैं चीज सीखा, एंड दिस इज द ओनली थिंग विच आई चेरिश, कि मैं ये सीखा।
दिस वॉज द बिगेस्ट थिंग. ओके एंड हाउ वॉट आर द क्वालिटीज डू यू फील दैट आर इनकल्केटेड इन यू ड्यूरिंग दिस जर्नी इन योर पर्सनैलिटी आई वॉन्ट टू नो. यस मैम, लाइक for like before I was very underconfident, but now I'm very confident. Yeah, this is the most biggest thing which I imbibed in myself. And then secondly, I learned how to carry myself. Okay, like I learned when you are in a formal environment, then you have to be formal. Okay, and you have to walk in certain way, na, that people get, like people notice you. Okay, like for example, when I'm in my casual dress, so well, I act casually, but when I'm in uniform, well, I'm a different person. I have to walk differently. I have to walk straight. I have to walk with my legs straight. Everything. Okay, like your personality should be different, and people who are seeing you, they should perceive you in such a way, na, that no, yeah, this person is different. Like this person is separate from us. Asa. Yeah. So this was the thing which I inculcated. Okay. So Varun, any suggestion for the cadets who wants to go to Republic Day camp, and you know they want to explore various sections of NCC? So any suggestions, please? So चाहे cadet RDC के लिए जाए या फिर कोई और activity के लिए, सब में तो मेहनत चाहिए होता है, और मेहनत हमेशा honest होना चाहिए. Seriously बोलता हूँ, like मेहनत consistent और honest होना चाहिए. क्या करो right कि yes these are my goals. अब मेरे को आप कैसे अचीव करना है, दैट इज प्योरली बाय मेहनत. कोई शॉर्टकट नहीं है. क्या होता है ना एनसीसी में, ऐसा बहुत बार देखा गया ना कि सर का रिकमेंडेशन से चले जाओ. आई एम टेलिंग यू, कभी ना किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि एहसान लोगे तो फिर वो बाद में ना वो बहुत ताना सुनने को मिलता है. यार याद है मैं तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं याद है तेरे साथ एक बार हेल्प किया था ये तेरा वाला. कभी किसी का एहसान मत लेना, हमेशा जो करना अपने दम पे करना, और जो हेल्प लेना है ना वो हमेशा हेल्प लेना. ठीक है, कहीं भी वैसे इंसान के साथ मत लेना, और अपना ऑनेस्ट एफर्ट देना. देखना ऑनेस्ट एफर्ट जहां दोगे ना वो काम सक्सेसफुल होना ही है. पूरा अपना 100% दे दो फिर छोड़ दो. ऐसे बोलते हैं ना कि डू योर बेस्ट गॉड विल डू द रेस्ट, ऐसा वाला चीज. तो बस यही वाला फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है. बस मेहनत है और कुछ नहीं. So Varun, thank you so much for joining for this session. And you know, I'm feeling this thing that a lot of candidates or the cadets who are watching this video, they're going to get a lot of insights. कि किस तरह से prepare करना है, procedure क्या है, और you know you have to maintain your strength within you. So this is something you know I get to learn a lot from you, and I hope a lot of people who are watching this video, it is going to be beneficial. Thank you so much for joining us for this session. Welcome, ma'am. In fact, I thank to you because you gave me this opportunity to interact, and like now through you, I can connect to much larger public who will be watching in this video. And I would of course give my thanks to my PI staff, my seniors, my parents, teachers, जितने भी थे, like journey में बहुत मेरा help हुआ है. उनको भी thank you बोलना चाहता हूँ, and special thanks to you also. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Keep watching Defense Roger. Jai Hind.